एबीपीएस न्यूज सच का साथी। महिला अध्यक्ष विजय काटकर लखनऊ पहुंची, यहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। विजय काटकर ने बताया कि केंद्र व प्रदेश द्वारा चलाए गए अनेक योजना की तरफ से जनता को अवगत कराने के लिए हमारे द्वारा यात्रा के माध्यम से भी संपर्क किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे हमारे समाज का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक पर मुद्दा उठाया गया है और ये कदम सराहनीय है। इसके साथ ही पास्को एक्ट कानून को कड़ा करना भी एक अहम कदम रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों में ये भी फैसला प्राथमिकता के साथ में शामिल है। बिल्कुल, मुस्लिम महिलाओं को हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और हमारी देश की वो नागरिक है, इस देश के विकास के लिए वो अपना योगदान बिल्कुल दे सकती है, ये समझते हुए हम उनको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। मूलतः सरकार की जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं सभी वर्गों की महिलाओं की कल्याणकारी योजना है जिसका लाभ उनको आज मिल रहा है। इसके अलावा जो मैंने कहा है कि उनकी जो लड़ाई चल रही है कोर्ट में, उसके साथ भी सरकार उनके लिए खड़ी है, पर आम महिला रहा है वो इसके अलावा अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के माध्यम से भी इन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है। स्किल डेवलपमेंट की भी बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है, टेक्सटाइल में के लिए भी महिलाओं की बहुत अच्छी योजना चल रही है। मुझे आपको एक ही छोटा सा एग्जांपल देना है इस विषय में। हमारे जो बहने हैं, जो कारागिर बहने हैं, जो बरेली की मैं बात कर रही हूँ, जो महिलाएं जरी वर्ग बहुत अच्छा काम करती है, 90% बहने मुस्लिम महिलाएं हैं, इन बहनों को मुद्रा का बहुत अच्छे तरीके से लोन मिल गया है। इनको मुख्य धारा में लाने के जो जो प्रयास करने चाहिए, ये सभी प्रयास सरकार कर रही है और उसके साथ साथ हम संगठन भी कर रहे हैं। इनको हम मुख्य धारा में ले लेंगे, इनको साथ रखेंगे और सब देश में हम जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसको साथ में रखते हुए। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।